सुपौल जिले के सदर बाजार के वार्ड संख्या 7 चकला निर्मली स्थित चैती दुर्गा मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का आज विधिवत विसर्जन किया गया। आपको बता दें कि सुपौल नगर परिषद क्षेत्र में इकलौता यह स्थान है जहां चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर नवरात्र में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें दूर दराज से लोग आते हैं। इसी कड़ी में आज मां दुर्गा की प्रतिमा का धूमधाम से गाजीबाजी के साथ विसर्जन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी। इस मौके पर हजारों लोग विसर्जन में भाग लिए। आपको बता दें कि मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ विसर्जन जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए विसर्जित किया गया। बीएनपी न्यूज के लिए सुपौल से संवाददाता अमरेश कुमार की रिपोर्ट। निर्मली चैती दुर्गा स्थान जो है वो लगभग 60-70 वर्षों से वहाँ भगवती की पूजा हो रही है और उससे पहले बाबा भोलेनाथ का मंदिर स्थापित हुआ था और अनवरत बिना खंडित हुए आज तक भगवती की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, तो सब सुचारू रूप से पूजा पाठ हो रहा है। आज भगवती का विसर्जन है और 9 दिनों का जो आयोजन हुआ है वो पूरे सुपौल में एकमात्र चैती दुर्गा स्थान चकला निर्मली वार्ड नंबर 7 है जहाँ पर पूजा होती है नवरात्र चैती दुर्गा पूजा, और काफ़ी संख्या में लोगों की आस्था इतनी जुड़ गई है उस भगवती मंदिर से, बाबा भोलेनाथ के मंदिर से, कि अब तो लोग वहाँ पर शादी ब्याह मुंडन जनेऊ और सभी जो मांगलिक कार्य होते हैं वो वहाँ से संपन्न करते हैं या वहाँ जा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं भगवती का। एक आस्था जुड़ गया है और जो उस दरबार में जा करके लोग मन्नत मांगते हैं वो किसी भी धर्म मजहब के लोग आते हैं उनको भगवती पूरा भी करती हैं, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद भी मिलता है। आज आयोजन हम लोग का है भगवती का विसर्जन करना कर रहे हैं। जिस तरह से बेटी की शादी होती है और अंतिम में विदाई होता है तो भगवती की विदाई में हम लोग बड़े मायूस होकर के विदाई कर रहे हैं। जिस तरह से अपने बेटी का लोग विदाई लोग भी हैं इसमें कहीं उसमें शामिल सब लोग हैं और इसमें जो बैंड पार्टी है घोड़ा वाले हैं, उसके बाद जो हमारे आदिवासी लोग हैं वो तो सारे लोग अपना नृत्य और अपना प्रदर्शन करते हुए बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से पुलिस के स्कॉट के अंदर में हम लोग उसका विसर्जन कर रहे हैं पूरे शहर को घुमा करके, क्योंकि शहर के लोगों के द्वारा भी उस आयोजन में हिस्सेदारी रहती है। तो सभी लोगों का को दर्शन करा करके फिर चकला निर्मली का जो पोखर है उसमें उसका विसर्जन होगा और यही मैंने आज का कार्यक्रम है। सफलतापूर्वक सब संपन्न हुआ है या विसर्जन भी भगवती की कृपा से संपन्न हो जाए यही मंगल कामना करते हैं। सभी क्षेत्रवासियों का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें प्रसन्न रहें, फिर कोरोना का जो काल आने वाला है संभावित उससे यहाँ लोग मुक्त रहें, सभी टीकाकरण करावें, सभी वैक्सीनेटेड हों, यही इसी मंगल कामना के साथ आज का भाषावन जो है सो संपन्न हो रहा है।